इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज जो हम लेकर आए हैं वो आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। ये जैसा कि आप जानते होंगे एनटीपीसी 2020 में एग्जाम्स हो रहे हैं इसके, जो तो इसका जो मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, क्या क्या पूछे जा रहे हैं, उसका जो हम आज सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। थर्ड पार्ट है ये। इसमें जो हम प्रॉफिट लॉस के बारे में बताएंगे और प्रॉफिट लॉस से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसकी मैं पूरी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए कुछ फॉर्मूले हैं, जिनको देख लीजिए, जो जिनको आते हैं वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। अगर जो क्रय मूल्य हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जितना बिक्री मूल्य होगा हमारा उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जितना हमारा लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, बिक्री मूल्य जितना होगा उससे हम लाभ या हानि घटा या जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, अब हम अगर जो विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं इसी प्रकार से अगर जो हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, याद रखना विक्रय मूल्य प्रॉफिट में बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा। दूसरी बात, अगला इसका मतलब ये टॉपिक है कि अगर जो हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे हानि निकालना चाहते हैं तो हानि का मतलब होगा कि क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे परसेंटेज निकालना चाहते हैं, परसेंटेज लाभ अगर जो निकालना चाहते हैं, परसेंटेज लाभ का निकालना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हैं, इक्वल टू होगा प्रॉफिट इंटू 100 अपान कितना होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला जो है प्रॉफिट लॉस एक प्रकार से निकालना चाहेंगे, लॉस परसेंटेज निकालना चाहेंगे या हानि प्रतिशत निकालना चाहेंगे, इक्वल टू मतलब हानि इंटू 100 अपान कितना होगा, अपान 100 होगा। ठीक है, अपान 100 होगा, ये हमारे जो 100 नहीं होगा, यहाँ क्रय मूल्य होगा, कितना होगा, क्रय मूल्य होगा, तो एक्चुअल में क्रय मूल्य होगा, ये जो हमारा हो गया। इतने जो है फॉर्मूले थे। अब जो हम चलेंगे बेस्ट क्वेश्चन पे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन इसका देख लीजिए, ऐसे ही मतलब समझने के लिए। वैसे तो हम एक पेन 40 रुपए में बेचा गया, विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ। एक पेन जो है 40 रुपए का बेचा गया और विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ, उस पेन का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, मतलब उस पेन कितने रुपए में खरीदा गया था। तो एसपी माइनस मतलब जो है सेलिंग प्राइस जो था, मतलब उससे हम माइनस कर देंगे, कितना प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वो 33 रुपए का पेन खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एम वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, एम वस्तुओं का जब क्रय मूल्य एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो हमको निकालना है परसेंटेज लाभ। परसेंटेज लाभ एम वस्तुएं थी, ये एन वस्तुएं थी, इनमें से मतलब हमको क्या निकालना है, लाभ। एम वस्तुओं का क्रय मूल्य एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रय मूल्य के इन दोनों के बराबर है, तो इस वस्तुएं से मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ मूल्य कह रहा है वस्तुएं दी हैं, वस्तुएं दी हैं, 15 वस्तुओं का मूल्य 16 वस्तुओं के बराबर है तो आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य। एम वस्तुओं का मूल्य और एन वस्तुओं के मूल्य के बराबर है तो हमको प्रॉफिट मतलब निकालना है कितने होगी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना। तो एम माइनस एन कर देंगे, एम माइनस एन अपान क्या करेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिसमें से खरीदी गई होंगी, खरीदी किस कौन से जाएंगी, जो छोटी होगी, छोटी क्या होगी, एन, तो एन को नीचे लिखेंगे इंटू 100 करेंगे, आ जाएगा आपका। दूसरी चीज कह रहे हैं कि हानि निकालना है, क्या निकालना है, हानि, हानि यहाँ पे निकालना है और हानि हमेशा ध्यान रखना, जब हानि होगी तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी वाली मतलब होगी कॉस्ट प्राइस, बड़ी वाली क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, और छोटी वाली सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो एम वस्तुओं का मूल्य एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, एम वस्तुओं का मूल्य है एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है,
इन वस्तुएं जो हैं वो बिक्री की गई हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सॉरी लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, तो एम माइनस एन कर देंगे, क्या करेंगे, सॉरी अब एन माइनस एन करेंगे, क्योंकि ये एन जो होगा हमारा बड़ा हो जाएगा, एन माइनस एम, ठीक है, एन माइनस एम कर देंगे, अपान कितना करेंगे, कौन सी बड़ी वस्तु बड़ी थी यहाँ पे, जो हमारी बड़ी थी एन, अब यहाँ पे एन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अब यहाँ से क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, यहाँ पे हमेशा परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर जो कहे कि बढ़ गया है, तो हमेशा बढ़ने का मतलब होगा हम वहां पे हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, बढ़ने का मतलब माइनस साइन और घटने का मतलब प्लस साइन। अगर जो कोई कहे कि वैल्यू बड़ी हो गई, बड़ी हो गई है इसका मतलब हम वहां पे लाभ निकालेंगे, छोटी हो गई है तो इसका मतलब वहां पे क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या है, 12 वस्तुएं हैं और 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो आपको क्या बताना है, 12 वस्तुएं थी और 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अब बताइए, आप एक मिनट सोच के, 12 वस्तुएं हमने ले गए थे और 16 वस्तुओं के बराबर बेच रहे, तो इसको क्या हो रहा है, इसको हो रही है हान, डायरेक्टली आपको बता रहा है कि 12 हम खरीद के ले गए थे जितने रुपए में, अब हमको उतने ही रुपए में 16 बेचनी पड़ रही है, तो हमको क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत अगर भी निकालना है तो हमेशा 16 माइनस 12 करिए, कितना करिए, 16 माइनस 12, जो वैल्यू बड़ी होगी, जब हानि होगी आपको तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो नीचे जाएगी, जो छोटी होगी वो ऊपर आएगी, ठीक है, याद रखना हमेशा, जो वैल्यू बड़ी होगी वही हमारी क्या होगी, क्रय मूल्य बन जाएगी, वो हमारी, ये मतलब ये यहाँ पे वस्तुओं से रिलेटेड है, अगर जो कोई मतलब वैसे आए रुपए में आए तो वो छोटी वाली नीचे जाएगी, याद रखना हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगी जो बड़ी वाली वैल्यू 16, ठीक है, 16 माइनस 12 कितना जाएगा, 4/16 कट जाएगा, 25% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु पर m परसेंट लाभ पर b को और m b को n परसेंट हानि पर c को, और c ने क्या किया, c p परसेंट लाभ पर d को k रुपए में बेचता है, d जो है उसको k रुपए में बेचता है, तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा, मतलब कहने का मतलब एक आदमी था उसने इसको बेच दिया 2 रुपए की कोई वस्तु, मान लिया कितने रुपए की है, इसने जो इतने की बेचा उससे इसने कुछ फायदा ले लिया, पर इतने रुपए परसेंटेज पे ये लाभ पर बेचा, इसने पे ये हानि पे पर बेचा, इसने ये लाभ पर बेचा, फिर इसने ये हानि पर बेचा, ऐसा कुछ आ जाए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला है 100/100+m, जिसपे जो होगा आपको प्रॉफिट होगा 100+m करेंगे, 100+m 100/100+m इंटू करेंगे 100/100+n, 100-n, जिसपे हानि होगी वहां माइनस करेंगे, फिर 100/100+p करेंगे, तीसरे वाले लाभ, चौथे वाले ने के रुपए में बेचा, चौथे वाले को क्या कर दीजिए, तो ये हमारा जो निकल के आ जाएगा कि उस वस्तु का जो है एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना था, ये वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ये जो है फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन देखते हैं, चंदा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को बेच दिया और 5% हानि पर चंदन को बेच दिया, और चंदन ने जो है 20% लाभ पर जो है मोहन को बेच दिया, यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपए में खरीदा तो चंदा ने उसे कितने में खरीदा था, ये आपको बताना कि सबसे पहले उसको कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, चंदा ने क्या किया था 10% लाभ पर बेचा था, तो 100/100+10 कर दीजिए, उसके बाद में दूसरा क्या कह रहा था कि 5% अरुण ने बेचा था, अरुण ने किया था 5% के पे बेचा था, हानि पर बेचा था, 100/100-5 कर दीजिए, और उसके बाद में 100 उसको 20% लाभ पर किसने, चंदन ने बेच दिया, चंदन ने 20%, तो 100/100+10 कर दीजिए, क्योंकि वो 20% लाभ पर बेचा है, 100+10 कर दीजिए, और उसके बाद में यदि मोहन क्या कह रहे हैं, मोहन उसी गाय को 12,000
540 रुपए में बेच देते हैं, 540 रुपए में, तो इसको डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई करिए, वही फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है। वो हमारा जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले से आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। इसको जो है सॉल्व करने पे 100/11 आएगा और 100/95 आएगा, 100/120 आएगा और 12,540 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, वो 10,000 हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऐड करके इसको सॉल्व करिए, 10,000 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एम वस्तुएं खरीद कर एन रुपए में और एम रुपए में एन वस्तुएं खरीद कर एन रुपए में एन वस्तुएं बेची जाती हैं, तो आपको बताना है लाभ क्या होगा। अब तो फिर क्या बताना है, हानि क्या होगी। ऐसी क्वेश्चन बहुत सी मतलब सिंपल होते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप समझिए कि एम वस्तु में एन रुपए में अगर जो खरीदी जाती है, एन रुपए में एम वस्तुएं बेची जाती हैं, तो हमारा लाभ क्या होगा, क्या हानि होगा। इसके दो फार्मूले दिख रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। जब लाभ होगा तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे याद रखिएगा, एम स्क्वायर एम स्क्वायर, वैसे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद में क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, ये जो है इंटू 100, ये करें। 4 रुपए में 5 नींबू खरीदकर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे गए, कह रहे हैं 5 रुपए में, ठीक है, 4 नींबू खरीदकर और 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए, तो आपको आप समझ रहे होंगे कि ये खरीद के कितने ला रहे हैं, 4 रुपए में 5 खरीद रहे हैं, 5 रुपए में 4 बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो जाहिर सी बात लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। 4 में 5 खरीद रहे हैं, 4 में 5 खरीद रहे हैं और 5 में 4 ये बेच रहे हैं, तो आप यहां से देखिए जो वैल्यू यहाँ पे लाभ आ रहा है, क्या रहा है, लाभ आ रहा है। इसका मतलब नीचे जो हमारा जाएगा वो क्या वैल्यू जाएगी, वो छोटी वैल्यू जाएगी, हमेशा याद रखना। कौन सी वैल्यू जाएगी, छोटी। हाँ नहीं होता तो नीचे क्या जाएगी, बड़ी वैल्यू जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 माइनस 4 5 5 25 4 4 16, माइनस कितना हो जाएगा वो करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 अपान 4 4 16 आ जाएगा, 9/4 × 100 कर देंगे और ये कैंसिल होके जाएगा, 25 अपान 4 आ जाएगा, वो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 900 अपान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 0 कट जाएगा 25, वो 225 आ जाएगा, 225/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 56 सही 1/4% जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रकार से हानि और जो पूछता, हानि के लिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेचे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने तरफ से कर लीजिए, 4 में 3 खरीद रहे हैं और 3 में कितने बेच रहे हैं, 4 बेच रहे हैं, 4 रुपए में 3 खरीद रहे हैं और 3 रुपए में 4 बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात हानि होगी। तो हानि होगी तो कौन सा नीचे जाएगा, नीचे जो बड़ा होगा 4 वाला नीचे जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 43 सही, 3/4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एम रुपए में एन वस्तुएं खरीदकर एक्स रुपए में वाई वस्तुएं बेची जाती हैं। एम रुपए में एन वस्तुएं खरीदकर एक्स रुपए में वाई वस्तुएं बेची जाती हैं, तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा या हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर जो इस फार्मूले को रखिएगा, x(n) - (m)y / (my)=100, अगर जो इसमें ये साइन माइनस का है तो हमेशा हानि होगी, प्लस का है यहाँ पे x माइनस m और m माइनस n, तो हमेशा याद रखना x(n) - (my)y, अगर जो इन दोनों में से कोई हानि आए हानि आए अगर जो, तो हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस होगा और अगर जो लाभ आएगा तो प्लस होगा। आप ऐसे ही डायरेक्टली मतलब एग्जाम में अगर जो हानि, कभी कभी ऐसा दे देते हैं कि 3 लाभ वाले दे देंगे, 1 हानि वाला दे देंगे, तो आप ऐसा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत उसको ऑप्शन भी देख लीजिएगा, तो ऐसा हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हमको एग्जैक्ट आंसर देना निकालना पड़ जाए तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 12 रुपए में 15 नींबू खरीद कर 14 रुपए में जो है वो 20 नींबू बेचे जा रहे हैं, तो इसको आपको बताना है कि लाभ या हानि कितना हो जाएगा। आप ध्यान रखना, इसमें जो होगा
वो रुपये को किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वस्तु के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। किसको करेंगे, रुपये का वस्तु के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। लेकिन कौन सी वस्तु में, दूसरी वस्तुओं के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहली वाली वस्तु के साथ मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, दूसरी वाली वस्तु के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हानि या लाभ आपको बता रहे हैं, निकालना है हमको। 12 रुपए में 15 खरीद रहे हैं और 14 रुपए में 20 बेच रहे हैं। पहले वाले को याद रखना, पहले वाला ही जो मतलब होगा 12 रुपए वाला, वही नीचे जाएगा, 12 नीचे जाएगा, 12 के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 14 × 4 = 5 करेंगे, 14 × 15 करेंगे। क्यों, 14 15 रुपए और वस्तु का मल्टीप्लीकेशन, पहली वस्तु का और दूसरे रुपए से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, दूसरी वस्तु का पहले रुपए से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और अपान कर दीजिए। कितना अपान कर दीजिए, जो वैल्यू इनमें से कह सकते हैं, सॉरी जो वैल्यू नहीं, जो वैल्यू पहले थी रुपए रुपए में, उसमें उसको जो है मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। पहली कौन सी रुपए में थी, 12 थी, उसी को नीचे ले जाएंगे, उसी को नीचे ले जाएंगे, 12 × 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1200 210 आ जाएगा, और उसका जो 12 और 2 240 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात हमको यहाँ से दिख गई हानि हो जाएगी, 38.240 और × 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12.5 सही, मतलब 12.5% जो है हमको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, 12 सही 1/2, माइनस का साइन आ रहा है ना, हानि हो जाएगी। इसी प्रकार से कोई अगले क्वेश्चन हो भी तो वो भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये वाले क्वेश्चन मतलब एग्जाम में बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन कह रहे हैं, जब दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और एक को एम परसेंट लाभ पर, दूसरे को एम परसेंट हानि पर, मतलब दोनों को बराबर बराबर पे बेचा जा रहा है, एक को एम परसेंट लाभ पर, दूसरे को एन परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, तो आपको हमेशा बताना है इस कंडीशन में हमेशा हानि होगी, इस कंडीशन में हमेशा हानि होगी। ऑप्शन देख लेना, 3 में लाभ दे हो, 1 में हानि हो, तो हमेशा हानि वाला लगा देना, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं, और जो उसका सॉल्व सॉल्यूशन होगा, m/10 का पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, m/10 स्क्वायर, ऐसी स्थिति में केवल हानि ही होती है। तो इसका जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार से दूसरा वगैरह जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, इसको तो अभी थोड़ी देर में कर लेते हैं, इसका पहले वाले क्वेश्चन से 4000 कह रहे हैं, 4675 रुपए में, मतलब दो गायों को में प्रत्येक को 4675 रुपए में बेचा गया, कितने में, 4675 रुपए में बेचा गया, तो एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि हुई। 15/10 कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 15/10 स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 कितना आ जाएगा, ये 3 5 2 3 आ जाएगा, उसके बाद में 225 2.25% आ जाएगा, 2.25% आ जाएगा हमारी, ये क्या होगी, हानि होगी। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसे ऐसा ही, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन दोनों के डिफरेंट दे दें, तो ऐसी स्थिति में हमेशा लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, लेकिन चिन्ह आपको याद रखना हो सकता है, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, एक को एम परसेंट हानि पर, सॉरी लाभ पर, और एक दूसरे को एन परसेंट हानि पर बेची जाती है, तो आपको बताना है कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत होगा क्या। तो इसको फार्मूला याद रखिएगा, 100 × m − n − 2 mn / 200, यहाँ पे 200 कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, m माइनस n कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, अगर जो माइनस का साइन आएगा तो हमेशा याद रखना यहाँ पे हानि हुई है, प्लस का आएगा तो हमेशा याद रखना यहाँ पे लाभ हुआ है, ऐसा क्वेश्चन करने। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दो पंखों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, एक को 10% हानि पर, दूसरे को क्या इस पे 5% लाभ, ये पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसमें याद रखना उसमें दोनों हानि लाभ दोनों बराबर होते हैं, इसमें जो है हानि और लाभ में अंतर दिया है, ठीक है, एक 10 है एक 5 है, तो आपको इसको बताना है। तो इसको करने के लिए हम करेंगे 100 × 5 − 10, 10 − 5 5 − 10 कर लीजिए, एम माइनस जो पहले दिया हो उसको बाद मतलब बाद में दिया उसको पहले कर लीजिए यहाँ पे, तो ये 5 − 10 कर लिया और उसके बाद में −2 × 5 कर लिया, 2 × 5 कर लिया, जो लाभ पर बेची जा रही होगी उसको पहले लेंगे, इसमें याद रखना जो वैल्यू लाभ पर ले जा ली जा रही होगी उसको हम क्या करेंगे,
उसको हम पहले लिखेंगे 5-10, ठीक है। तो 5% वाली वैल्यू जो थी वो लाभ पर थी, क्वेश्चन गलती हो जाएगी आप याद रखना, भूल जाएंगे वहां पे। तो जो वैल्यू मतलब लाभ पर होगी उसमें क्या करेंगे हम, उससे माइनस करेंगे 5-10 और करेंगे और माइनस 2 × 5 × 10, 2 × 5 × 10 अपॉन 200, उसके बाद में 5-10, 200, 5-10, उसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमारा जो है माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस जो है पहले ही बाहर आ जाएगा, 600 आ जाएगा और 600 अपॉन 195 आ जाएगा, और इसको जब सोल्व करेंगे माइनस 3 सही 3 सही 15 अपॉन 195 और 3 सही माइनस का कर देंगे 3 सही 1/13 आ जाएगा, उसके बाद 3 सही 1/13% जो होगी हमारी हानि होगी, माइनस का साइन आ रहा था याद रखना। और इसमें यह याद रखना कि जो लाभ होगा उसी से हम घटाएंगे हानि को, ठीक है। यदि कोई दुकानदार जो है वो क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेचते हुए ये कहता है 1 किलो के स्थान पर m किलो का ग्राम का बांट जो है इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना। कोई दुकानदार है जो मतलब चापलूस एक प्रकार से होशियारी करता है कि 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम का बांट इस्तेमाल करता है तो आपको बताना उसका कितना प्रॉफिट होगा, ऐसे में हमेशा उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं अपने क्रय मूल्य पर ही बेचता, जितने की खरीद की लाता है उतने की वो बेचता है कह रहा है, और वह 1 किलो के स्थान पर 1 किलो के बांट के स्थान पर 950 ग्राम का बांट इस्तेमाल करता है तो आपको बताना है कि उसका परसेंटेज लाभ कितना होगा। आप 1000 में से 950 बताएंगे तो 50 आ जाएगा, ये फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग है, 1000 - m तो 50 आ जाएगा अपान कितना था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसमें जो है हमेशा लाभ आएगा, लाभ में हमेशा क्रय मूल्य छोटा होता है, जो छोटा होता है वो नीचे लिखा जाता है तो 950 नीचे लिखा जाएगा, 950 लिख दिया, उसके बाद में गुणे किया 100 से तो इसको सॉल्व किया 5 5 95, उसको जो है 5 सही 5/19 आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय m परसेंट और बेचते समय m परसेंट की बेईमानी करता है, ठीक है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है, ठीक है। इसमें देख लीजिए दोनों क्या दिए हैं, सेम दिए हैं, m परसेंट खरीदते पर और m परसेंट मतलब बेचते समय बेईमानी करता है तो कितना लाभ होगा। तो इस फार्मूले को याद रखिए m2m + m² / 100, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वही वाला वो फार्मूले से ये पहला वाला बना है, इसको देखिए। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय m परसेंट की और बेचते समय n परसेंट की बेईमानी करता है तो उसका मतलब आपको बताना है प्रतिशत लाभ क्या होगा। इसका प्रतिशत लाभ होगा m प्लस, अभी यहां याद रखने वाली बात ये है कि आगे क्वेश्चन में हम बताएंगे m + n, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे m × n/100। अगर जो माइनस माइनस प्लस होते हैं और प्लस माइनस माइनस होते हैं, प्लस 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 होते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया है। अगर जो उसका एक में हानि होगी तो हम क्या लगाएंगे वहां पे लाभ, दूसरे में क्या होगी माइनस मतलब हानि पे और दो मतलब बेईमानी करता तो प्लस में ही आ जाएगा ऑलवेज। तो इसका क्वेश्चन मतलब हानि अगर जो हो जाए तो वहां पे हम माइनस कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। कह रहे हैं एक दुकानदार किसी माल को खरीदते समय 12% तथा बेचते समय 12% की बेईमानी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, इसको कर लीजिए 2 × 2 = 12 और उसके बाद में सोल्व करिएगा, इसका जो है 25.44% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लीजिए दूसरा, एक दुकानदार खरीदते समय जो है 5% और बेचते समय जो है 20% की बेईमानी करता है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 5 × 20, ठीक है, और प्लस करेंगे उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे 5 × 20 प्लस उसके बाद में 5 × 20 और उसके बाद में अपन 100 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 25 + 1 = 26% आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो कोई कहता एक मतलब दुकानदार को एक आयत की चौड़ाई 5% बढ़ा दी जाती है, एक आयत की लंबाई लंबाई जो होती है 5% घटा दी 10% घटा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, यही फार्मूला है दोस्तों m + n माइनस वहां पे करेंगे m + n और उसके बाद में m × n/100। इस फार्मूले में याद रखना अगर जो बढ़ाई जाएगी तो m माइनस किया जाएगा,
और घट मतलब जो चीज बढ़ाई जाएगी माइनस वन में से वो माइनस करेंगे, ठीक है। अगर जो दोनों चीज घटा दी जाती है तो दोनों चीजों को माइनस करेंगे और माइनस माइनस प्लस होता है, तो m इंटू एन प्लस का आएगा, यहाँ पे प्लस ही साइन लगा रहेगा और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ रही होगी m प्लस एन, m प्लस एन इसमें से अगर जो घटाएंगे ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। अगर जो यहाँ पे माइनस माइनस दूसरी चीज होगी, एक की घटाएगी दूसरे की बढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो जब घटाएंगे तो कोई वैल्यू बड़ी होगी, हो सकता है छोटी हो, तो m माइनस एन कर देते हैं और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा m इंटू एन अपॉन 100। ये ध्यान रखना, जो बढ़ेगी तो माइनस इसके साथ में आएगा, यही माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसा फॉर्मूला बन सकता है आप अपने से बना सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए इनका जो है, किसी वस्तु को m परसेंट लाभ के बदले n परसेंट लाभ पर बेचा जाता है तो ₹100 अधिक या कम प्राप्त होते हैं, अतः क्रय मूल्य हमको बताना है। m परसेंट लाभ के बदले n परसेंट लाभ पर बेचा जाता है, किस पे बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, तो हमको बताना है ₹100 ज्यादा मिलते हैं, तो जितना बढ़ के बेची जा रही होगी उतना ही ज्यादा मिल रहा होगा। तो m पे बेचा जा रहा था, n पे बेचा जा रहा था, m माइनस n क्या होगा, उतना ही बढ़ गया होगा ना, तो उतना बढ़ा होगा, तो हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो x अपान m माइनस n, m माइनस n जो भी बड़ा होगा वो कर लेंगे, माइनस आया प्लस आया कुछ भी मतलब नहीं है, एम माइनस एन इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, जितना आएगा वो क्रय मूल्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी का देखिए, किसी वस्तु को m परसेंट हानि के बदले, अभी तो लाभ वाले थे, हानि के बदले n परसेंट हानि पर बेचा जाए तो हमको बताना है कि उसका मतलब ₹100 अधिक मिलता है। यही फार्मूला बनेगा, जब दोनों में हानि हानि होगी तो हमेशा माइनस साइन आएगा, उनका अंतर आएगा, क्या आएगा, अंतर आएगा, एक सपान एम माइनस वन इंटू 100। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी वस्तु को एम परसेंट हानि के बदले एन परसेंट लाभ पर बेचा जाता है, यदि ₹100 अधिक मिलता है तो हमको बताना है अतः क्रय मूल्य क्या होगा, एक्स बाई एम प्लस एन। यहाँ पे ध्यान रखना, जितनी हमारी हानि हो जाएगी उसकी एम परसेंट हानि के बदले एन परसेंट लाभ पर बेचा जाता है, मतलब हानि हो रही थी और लाभ, इन दोनों का जो बीच का गैप होगा वही होगा, इन दोनों का बीच का गैप तब निकलेगा जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी गैप निकलेगा। तो x अपान m प्लस n इंटू 100, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, n वस्तुओं को बेचने पर m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, उसका पहले वाले का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कम से कम हो तो जाए। कह रहे हैं किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तो ₹232 अधिक का रकम मिलता है, तो 232 अपान 12 माइनस 8 इंटू 100 कर लीजिए, उसके बाद में सॉल्व करिएगा तो हमारा ₹5,800 आएगा। इसी प्रकार से अगले भी क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी वस्तु को m रुपए में बेचने से उतना ही रुपया लाभ होता है जितना कि n रुपए में बेचने पे हानि होती है, तो हमको क्रय मूल्य बताना है। मतलब कोई वस्तु है उसको ₹10 में बेचा जाता है, ₹10 में बेचने पे उतनी हानि होती है जितनी ₹10 में बेचने पे हमको क्या होता है, किसी वस्तु को ₹10 में बेचने पे लाभ होता है, सॉरी एम रुपए में बेचने, मतलब किसी वस्तु को ₹10 में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु को ₹20 में बेचने पे हमको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, तो हमको बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। उसी वस्तु को ₹10 में बेचा जा रहा था, अब ₹20 में बेचा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, जितना गैप होगा और उनका माइनस कर देंगे तो हमको पता हो जाएगा क्रय मूल्य क्या होगा। ये 10 था, ये 20 था, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30/2 कर देंगे तो 30/2 करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, 15 हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक रेडियो को ₹760 में बेचा जाता है और उतना ही लाभ होता है जितना ₹540 में बेचने पे हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य बताना है तो 760 प्लस 540 अपान 2 कर देंगे और सॉल्व करेंगे 1300 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि रुपया ₹1 में मतलब कोई वस्तु को बेचा जाए, यदि प्रति रुपए में 1 किलो में मतलब वस्तु कोई वस्तु है प्रति रुपए
मतलब एक प्रकार से एक बटन कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतने रुपए में बेची जाती है, कि 1 रुपए में 40 बटने बेची जाती हैं तो कितना होगा, वही वाला क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कि 1 रुपए में मतलब प्रति रुपया, मतलब 1 रुपए में एक्स वस्तु में बेचने पर एम परसेंट की हानि होती है, तो एम परसेंट के लाभ के लिए हमको कितना बेचने पड़ेगा, लाभ हो रहा है तो लाभ वाला हम पहले ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, पहले ले लेंगे 100, उसके बाद में क्या करेंगे, तो एक्स रुपए मतलब हमको क्या मिलता है, एक्स रुपए वस्तु को एक्स रुपए में बेचने पर एक्स रुपए में बेचने जा रहा था, ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक्स इंटू 100 माइनस एम कर देंगे अपॉन 100 प्लस एन कर देंगे, 100 प्लस एन कर देंगे, 100 माइनस एन, 100 प्लस एम इंटू एक्स कर देंगे, इसके साथ में हमारा जो आएगा हमेशा विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। यदि 1 रुपया, यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने पर, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, यदि प्रति रुपया में 40 बटन बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचना चाहिए, तो कह रहे हैं कि 40 बटन बेचने पर मतलब 1 रुपए में 40 बटन बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% मतलब अगर जो बेचना है 20% लाभ के लिए उस पर हमको कितने पर बेचना चाहिए, 20% हमको लाभ हो तो कितने पे बेचना है, 1 रुपए में 40 बेच रहा था तो 40 इंटू 100 माइनस कितना करेंगे, जितने पे हमारा क्या हो रहा था मतलब माइनस 10 करेंगे अपॉन 100 प्लस 10 20 करेंगे और सॉल्व करेंगे 9.20, 1 रुपए में 30 बटन बेचे तो हमारा क्या होगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि किसी वस्तु को एम रुपए में बेचने पर होने वाला जो लाभ है वो का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस स्थिति में वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये जो हमारा दिख रहा है फॉर्मूले में क्रय मूल्य, तो मतलब कहने का है जितने में खरीदा गया था उतना ही परसेंट हमको क्या हो गया, लाभ हो गया है। मान लेते हैं किसी वस्तु को 70 रुपए में खरीदा गया तो 70% का ही लाभ हो गया है, हमको क्रय मूल्य निकालना है, अगर जो संख्यात्मक मान के बराबर हमको लाभ होता है तो फॉर्मूला ये होगा 10 इंटू अंडर रूट 100 m plus 20 कर देंगे, 5 कर देंगे माइनस कर देंगे, ये अंडर रूट से अलग है, ठीक है, माइनस 50 कर देंगे या 50 कर देंगे, उसके बाद में अगर जो हानि हो जाती है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा हानि हमेशा 25 से कम होगी, ठीक है, तो इसका जो करेंगे 10 इंटू 25 माइनस m और उसके बाद में अंडर रूट कर देंगे इसका, और ये 50 अलग कर देंगे ना, इसका जो अंडर रूट में यहाँ पे प्लस लगाएंगे, हानि में यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, ठीक है, लाभ में वहां पे माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा, हानि में यहाँ माइनस होगा वहां प्लस होगा, ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे प्लस माइनस का कितना कर देंगे, प्लस का कितना कर देंगे 50 कर देंगे और सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने वाला होने वाला लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, मतलब क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू निकालना 10 इंटू अंडर रूट 119 प्लस कर देंगे 25 कर देंगे माइनस 50 कर देंगे और उसके बाद में सॉल्व करेंगे 119 प्लस 25 ये जाएगा 144 आ जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, अंडर रूट 10 इंटू 12 और उसके बाद 12 हम 120 होता है, उसके बाद में 50 कटेंगे उसके बाद में 70 आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन एम प्लस वन क्रमिक बट्टे पर, ठीक है, क्रमिक बट्टा आपको कभी भी पूछा जाए, दो का ज्यादातर पूछा जाता, तीन का पूछा जाए तो छोड़ो तीन का वाला नहीं पूछा जाएगा ज्यादा क्वेश्चन। एम प्लस एम परसेंट और एम परसेंट समतुल्य बट्टे पर मतलब कोई वस्तु है उपलब्ध है तो उसका मतलब तुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा निकालना है आपको, तो एम प्लस वन वही फॉर्मूला है केवल माइनस का अंतर आ जाएगा, एम प्लस एन और उसके बाद में क्या आ जाएगा एम प्लस एन माइनस एम इंटू एन अपॉन 100, ये जो है समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कोई वस्तु का अंकित मूल्य एक्स रुपए है और m% n% क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध हो तो उसको हमें क्या करना है, मतलब बट्टे जो हैं वो m%, कोई वस्तु का अंकित मूल्य एक्स है तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है, यहाँ पे समतुल्य बट्टा था यहाँ पे आपको क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है,
तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक पंखे को जैसे 800 रुपए में बेचा जाता है और 10% और 5% कर्मी बट्टे पर उपलब्ध है, तो कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीद सकता है। तो जो फॉर्मूला था x इंटू 100 माइनस m, x इंटू 100 माइनस m और अपान कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स 100 माइनस m था और 100 माइनस n कर देंगे अपान 100 कर देंगे, ये जो है हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। इससे फॉर्मूला विक्रय मूल्य पता करना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा, मतलब जो ग्राहक आएगा उसको कितने रुपए में खरीदेगा, हम उसको कितने रुपए में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे निकाला जाएगा। ठीक है, तो 800, 100 माइनस 10 उसके बाद में करेंगे अपॉन 100 करेंगे, और 100 माइनस 5 अपॉन 100 करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 684 आ जाएगा, ये हमारा जो है ऑप्शन हो गया। ये परसेंटेज से क्वेश्चन जो हमारे होते हैं लेक्चर से समाप्त होता है, इससे ज्यादा टफ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमसे आपकी रिक्वेस्ट है।